आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। यूपी में जन विश्वास यात्रा के प्रथम चरण का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ विपक्षियों पर हमलावर रही। उन्होंने जनता से कहा कि जब ये जन विश्वास यात्रा आपके गली मोहल्ले से यात्रा गुजरे तो भूलना मत कि जब साइकिल के साथ हाथ था तो वो हाथ बहन बेटियों के आंचल उड़ा चलता था। भूलना मत कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाता था। गाजीपुर में बुलडोजर चलता तो दर्द अखिलेश को हुआ। आगे स्मृति ईरानी ने कहा कि जन विश्वास यात्रा में केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उन्हें जनता के बीच में रखा जाएगा। काशी क्षेत्र की यात्रा का शुभारंभ गाजीपुर के ऐतिहासिक रामलीला लंका मैदान से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ यूपी सरकार के दर्जन भर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। धर्म कब क्यों नहीं हुआ? जब जनता लूटी जा रही थी, धर्म कब क्यों नहीं हुआ? जब बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, धर्म कब क्यों नहीं हुआ? जब माफिया AK-47 लेकर भयभीत कर रहे थे परिवारों को, तब जनता के लिए दर्द क्यों? आज गाजीपुर की पुण्य धरती पर कह दूं, मैं भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते, हां माफिया की लूट पर बुलडोजर चला और चेयरिंग अलीगढ़ में राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह ने मित्तल गेट पर फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसका आयोजन किया गया, लेकिन इस बार ये आयोजन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक महीने पहले ही कर दिया गया। आगामी 10 जनवरी को इसका समापन कर दिया जाएगा। इस आयोजन के दौरान कृषि की उन्नत फसलों के साथ साथ उद्योग की नई तकनीकी की जानकारी भी दी जाती है। इस दौरान राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विरोधी पार्टियों को देशद्रोही बताया। नुमाइश को गार्डन में एक उत्सव है, अलीगढ़ की नुमाइश जो है अपने आप में एक ऐसा एग्जीबिशन है, हम सबका मनोरंजन करती है और जिससे हमारे सब लोगों को रोजगार भी मिलता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तरह तरह की चीजें बाहर से पूरे हिंदुस्तान से आती है और यहाँ अलीगढ़ में नुमाइश की शुरुआत को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर आज नुमाइश के उद्घाटन को लेकर अलीगढ़ के प्रभारी और गन्ना मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश राणा की ओर से अलीगढ़ नुमाइश प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन में किसानों को मिली तो किसानों की जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने भारी संख्या में नुमाइश के उद्घाटन स्थल पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की ओर से गन्ना मंत्री बात के जमकर नारे लगाए गए। भानुगुट के जिलाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही चीनी मिल को शुरू करवाया जाएगा। जो आश्वासन मंत्री ने दिया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यही कारण है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन की खबर जैसे ही सुरेश राणा को मिली तो सुरेश राणा मौके पर उद्घाटन करने नहीं पहुंचे। नुमाइश का उद्घाटन मिश्र विभाग के मंत्री रघुराज ठाकुर के द्वारा किया गया। देखिए, एक मैसेज तो हमारा प्रदर्शनी का बिल्कुल विरोध नहीं है। प्रदर्शनी में तो हम लोग पूरे सहयोग की मुद्रा में रहते हैं। विरोध था हमारे माननीय प्रभारी मंत्री गन्ना मंत्री, आज हमें पता चला कि पेपर के माध्यम से वो आ रहे हैं। उन्होंने हमसे अभी 2 महीने पहले वादा किया था कि अनुपूरक बजट में सादा चीनी मिल बहुत जर्जर स्थिति में, 47 वर्ष पुरानी है, चल नहीं पा रही है। पिछले 4-5 साल से किसान आंदोलित है और उसका अनुपूरक बजट की उन्होंने हमसे वादा किया था कि अनुपूरक बजट में बजट पास होगा। 2 दिन पहले बजट आया, किसान मायूस है। किसान आंदोलन के मूड में जब पता चला कि तो किसानों ने निर्णय लिया कि मंत्री जी को यहाँ उद्घाटन नहीं करने देंगे, उनका विरोध करेंगे, क्योंकि 1 रुपया बजट में मंजूर नहीं हुआ। वो वादा खिलाफी उन्होंने पिछले 4 साल से कर रहे हैं और आज भी किया। उनका विरोध करने के लिए हमें नुमाइश का विरोध करने नहीं आए, हमने नुमाइश के जिला प्रशासन के बारे में एक आंदोलन नहीं किया। खबर औरैया से है जहां कांग्रेस कमेटी ने गेंदालाल दीक्षित चौराहे पर स्थित एक गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महिला सशक्तिकरण के बारे में गोष्ठी भी आयोजित की गई। गोष्ठी के उपरांत जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी और की ओर से
की गई घोषणाओं के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष शिववीर दुबे ने बताया कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं और अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही महिलाओं को सशक्त बनाए जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आयोजित वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष शिववीर दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए घोषणा की गई है। आज महिलाओं को वो सम्मान आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे हालात महिलाओं के खराब हैं, उसको देखते हुए, उनके दर्द को देखते हुए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित और रोजगार से संपन्न करने के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं महिलाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, सभी के प्रति कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं। और ये घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रियंका गांधी जी द्वारा। बुलंदशहर में शिकारपुर नगर के अंग्रेजी देशी और बियर के ठेकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कर स्टॉक की जांच की गई। शराब की अवैध तस्करी और शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग पर अब आबकारी विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकारपुर SDM आशीष कुमार, CO सुरेश कुमार, SSI सुनील कुमार गौतम ने देशी और विदेशी और अंग्रेजी शराब के ठेकों पर बारकोड स्कैनर कर भी जांच की और साथ ही शराब के ठेके पर बैठे सेल्समैन से कहा कि ओवर रेट ना बेचें। ओवर रेट बिकने की शिकायत मिली है। CO ने कहा कि शराब ठेके का जो समय है उसी समय पर बेचें, समय से पहले या समय समाप्त होने के बाद ना बेचें। सिद्धार्थनगर में क्रॉसिंग 52C कोलहुवा ढाला 54C को बंद होने पर 53C महारिया को बंद किए जाने को लेकर सांसद को ज्ञापन दिया गया था। सांसद जगदंबिका पाल ने ज्ञापन मिलने के बाद एक्टिव होते हुए सांसद से उस मुद्दे को उठाया और इसी के बाद से अब ढाला भीमा पार के संपार फाटक को लेकर मुद्दा उठाए जाने पर रेल मंत्री से मिलकर अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग को लेकर इसी पर अब क्षेत्रवासियों ने जनसभा करके सांसद को धन्यवाद दिया है और रेलवे अंडरपास बनाए जाने तक सहयोग की मांग की है। साथ ही हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में गेट चालू रखने की मांग कही गई। ये कुलवा ग्रांट से लेकर के बामनसी जो रेलवे संपार पार इसको जो बंद करने का रेलवे ने फैसला लिया है, इससे यहाँ के लगभग 50 गांव से ऊपर के लोगों को जिस तरह की कठिनाई है आने जाने की, खेती की, या इन ढालों के बंद हो जाने से अगर शहर जाना हो, अस्पताल जाना हो, बहुत बड़ी कठिनाई है। कोई रेलवे अंडर ब्रिज भी नहीं बना है। इसको लेकर मैंने भारत की लोकसभा में इसकी आवाज़ उठाया। मैंने रेल मंत्री और सुनील जैसवाल जी को भी दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं करूँगा। आज मैं फिर लोगों के बीच में आया हूँ। जिस तरह से यहाँ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं, महिलाएँ हों, पुरुष हों, किसान हों, नौजवान हों, बच्चे हों, मैं निश्चित तौर पर इस पूरे कोल्हावा ग्राम हो, महिला हो, कुलवा द्वितीय हो, या शिमला हो, चंबक से बधाई हो। संभल में कोट गरबी स्थित अब्बासी वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी कैंप कार्यालय पर महिलाओं को भीषण सर्दी में बचाव के उद्देश्य से लिहाफ कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी पदाधिकारियों की तरफ से काफी संख्या में महिलाओं लिहाफ और कंबल वितरण किए गए। इस दौरान विचार रखते हुए सलाहकार डॉक्टर राशिक अनवर मौजूद रहे। इस दौरान महिला विंग अध्यक्षा शाजिया खान ने भी शहर के अन्य सामाजिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने स्तर से ऐसे लोगों की मदद को आगे आएं और यही एक सच्ची समाज सेवा है। और यूथ विंग अध्यक्ष सिबते अली ने कार्यक्रम में आए।
जैसे कि आपको मालूम है कि हर साल जो है बाजी वेलफेयर सोसाइटी से हम लोग जो है लिहाफ और कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गरीब लोगों में, तो आज उसी कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है और यहाँ पे हमने गरीब बेसहारा महिलाओं को जो है बहुत सारे लिहाफ और कंबल हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब बाजी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर साल जालों में लिहाफ और कंबल दिए जाते हैं गरीब और बेसहारा लोगों को। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे काफ़ी सर्दी पड़ गई है, तो आज ये कंबल और ये लिहाफ जो है ना गरीब और बेसहारा लोगों को दिए गए हैं। आज हर साल की तरह जैसे हर साल सर्दियों के सर्दी के मौसम में हम लोग लिहाफ कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी के मेम्बर्स हमारे सब मिलकर उसी कड़ी में आज इस साल भी गरीब और विधवा महिलाएँ जो हैं उनको हमने आज लिहाफ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और 31 तारीख को हम जो बिल्कुल नीडी पर्सन्स होते हैं 31 दिसंबर हम लोग उनके साथ मनाते हैं और रास्ते में जाकर जहां पर भी जरूरतमंद होगा उसको लिहाफ कंबल। सीतापुर के थाना मानपुर क्षेत्र के ईटदाह गांव निवासी करीब 6 दलितों ने एडिशनल एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि गांव के ही उच्च बिरादरी के दबंग लोग उनके घर का रास्ता बंद करना चाहते थे, जिसके संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी बिस्वा को दिया गया था, जिस पर पैमाइश करने क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर गए थे। इस दिन गांव के ही दबंगों ने लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। अब इस मामले में लोगों का आरोप है कि दबंगों के ऊंची पहुंच है और पुलिस की मिलीभगत की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि गांव के ये दबंग व्यक्ति दलित बस्तियों को उजाड़ना चाहते हैं, कहते हैं कि गांव से इन दलितों को भगा देंगे। चुनावी रंजिश के कारण हम लोगों का रास्ता बंद कर रहे हैं, हम लोगों की प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। रास्ते का विरोध किए हमसे कौन हमने कहा साहब यहाँ नहीं बांटो, यहाँ है तहाँ बांटो, तो उन्होंने हम तो अप्लीकेशन दे एडीओ साहब से, वो फिर जब लेखपाल आया तो लेखपाल नापा नूपा, फिर हमसे कुछ बताया नहीं कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है सर। और उसके बाद फिर जो है सर फिर चले गए लेखपाल, फिर प्रधान आएंगे और सोनू आएंगे पटेलाल आएंगे और ये सब जो है कि हम काम बलाइन द्वारा से नहीं आओ हम जैन साहब बहन तो हमका हमारे भाई एक लड़का रहा है सिराज नाम है इसका, इसको साहब झपड़ मारा जब मारने लगा तो हमारे यहाँ से हमारा लड़का भी एक दौड़ा क्या दौड़ी तो इनको भी मारा और फावड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।